गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक पढ़ा हमने एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, डिफरेंसेस बिटवीन द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। आज पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। आफ्टर मोस्ट लेयर जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है स्टेम में भी, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। चार्ट में देखिए, एक बार पहले सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट है वो एपिडर्मिस, ग्रीन कलर्ड लेयर। इंट्रासेलुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस रिलीज अ केमिकल कॉल्ड क्यूटी एंड क्यूटी फॉर्म्स अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर इट इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द शूट एंड इट प्रिवेंट वाटर लॉस from the aerial parts of the plant. Cuticle is also present in the leaves and in stem. Cuticle is not present in roots. Roots में हमने एपिब्लेमा के बाहर कोई भी cuticle के बारे में discuss नहीं किया, क्योंकि जो root है वो soil के अंदर present है, वहाँ पर direct sun की heats का exposure नहीं है। इसके बाद cuticle it is not cellular layer because it is only made up of chemical. एपिडर्मिस के बारे में हमने पढ़ा है कि जो सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन करेंगी। इनकी जो प्रोजेक्शन है आउटवर्ड, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं शूट में, इनको हम बोलते हैं शूट हेयर और ट्राइकोम्स। रूट में भी हेयर्स पड़ा, रूट हेयर, बट रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड शूट हेयर आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये यहाँ पे सेल्स का नंबर एक से ज़्यादा है, यहाँ भी मोर देन वन है, यहाँ भी मोर देन वन है। मोस्टली कंडीशंस में क्या मिलेगा हमें ट्राइकोम्स, दीज आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, सिक्रेटरी, प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह काफ़ी फंक्शंस हैं इनके। उसके बाद जो कॉर्टेक्स रीजन, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और यहाँ ये पैरासाइकिल, पैरासाइकिल और एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन पहले हम बात करें क्यूटिकल के बाद में एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, शूट हेयर्स। उसके बाद है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन इन स्टेम इज डिवाइडेड इन थ्री सबजोन्स, तीन इसकी सबजोन्स हैं। कौन कौन सी, जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, सेकंड कॉर्टिकल लेयर्स, और थर्ड है एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम, यहां देखिए इनके अंदर एट द कॉर्नर्स द सेल वॉल इज थिक, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेम। उसके बाद मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, ये पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी है कॉर्टिकल लेयर, हाइपोडर्मिस बनी है कोलेनकाइमा टिश्यू से। इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको, ये पैरेन्काइमा। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, इनके बीच में रेजिन डक्ट्स हैं जो रेजिन रिलीज करेंगे। उसके बाद जो येलो कलर्ड लेयर है इसके अंदर, इसको बोला एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस है डाइकोट स्टेम्स के अंदर, इसमें स्टार्च के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं। यहाँ पे एंडोडर्मिस जो हमने रूट में देखा था वहाँ स्टार्च शीट नहीं थी, इसमें मिलेगी ये शूट के अंदर मिलेगी। उसके बाद एंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या, पेरिसाइकिल, तीन लेयर कॉर्टेक्स रीजन की, उसके जस्ट बाहर आती है पेरिसाइकिल, इट इज
पेरिसाइकिल यहाँ पे टू लेयर्स, टू रीजन में बनी हुई है स्टेम के अंदर. आउटर लेयर टूअर्ड द एंडोडर्मिस, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू. वो यहाँ बोला पैरेन्काइमा पेरिसाइकिल जो व्हाइट कलर सेल्स है. उसके बाद जस्ट आउटसाइड द फर्म टिश्यू पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर प्रेजेंट. यहाँ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है, ये क्या बनाएगा पेरिसाइकिल. तो पेरिसाइकिल टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे आउटवर्ड टूअर्ड द एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू एंड जस्ट नियर द फ्लोएम अटैच्ड टू द फ्लोएम इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. यहाँ जो जाइलम वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट है फ्लोएम एंड जाइलम बोथ लाई एट द सेम रेडियाई, इट इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट टाइपो वेस्कुलर बंडल. पेरिसाइकिल आउटवर्ड है पैरेन्काइमेटस और इनवर्ड मिलेगी हमें स्क्लेरेन्काइमेटस. आउटसाइड पैरेन्काइमेटस एंड इनसाइड स्क्लेरेन्काइमेटस. उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट in the dicot shoot.
मोनोपोर्स के अंदर, मोनोपोर्स में यहाँ पोलिफ्लेमा नहीं मिलेगा। हाइपोडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोकाइमा इन मोनोपोर्स। मोनोपोर्स में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, यहाँ पे कौन मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा? स्क्लेरोकाइमा। हाइपोडर्मिस इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंसेस पे क्वेश्चंस बनता है, याद रखना इसको कि स्क्लेरोकाइमा हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोकाइमा इन मोनोपोर्स एंड इट इज मेड अप ऑफ पोलेनकाइमा इन डाइकोट्स। उसके बाद ये प्रेजेंट होगा मोनोपोर्स के अंदर, कैंबियम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कॉन्जॉइंट होंगे लेकिन वो ओपन ना होंगे। कैसा होता है कॉन्जॉइंट? क्लोज होता है। जो मोनोपोर्स हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल कैसा मिलेगा हमें? कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे हमें नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंसेस हुए मोनोपोर्स एंड डाइकोट्स के बीच में। एक ये स्क्लेरोकाइमा का बना है और यहाँ पे जो इसके अंदर ये कंडीशन है कैम्बियम वाली, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली अटैच होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। फिर से देखिए एक बार इसको, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में थ्री जॉन्स में डिवाइड किया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा इन डाइकोट्स एंड स्क्लेरोकाइमा इन मोनोपोर्स, ये सेम है एंडोडर्मिस। ठीक है, जहाँ पे जो पैरासाइकिल है वो आउटवर्ड पैरेन्काइमेटस है एंड इनवर्ड अटैच टू द फ्लोएम टिश्यू, वो कैसे मिलेगी? स्क्लेरोकाइमेटस। उसके बाद जस्ट बिलो वेस्कुलर बंडल्स की हमें अरेंजमेंट मिलेगी। वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम लाई एट द सेम रेडियल, उस टाइप को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे सेम रेडियल पे है, पिंक कलर में जाइलम दिखा है और ग्रीन कलर में फ्लोएम, सेम रेडियल पे है तो कॉन्जॉइंट हो गया। कॉन्जॉइंट के बीच में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं कैम्बियम, तो इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। उसके बाद जो इनके इनवर्ड जो सेल्स फोर रीजन इज फिल्ड विद पैरेन्काइमेटस सेल्स इट इज कॉल्ड पिथ, और यहाँ मेटाजाइलम टुवर्ड द आउटवर्ड एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड द इनवर्ड एंडार्च कंडीशन। अपोजिट था रूट के अंदर, वहाँ पे एक्सार्च कंडीशन था। ओके,